देख रहे हैं माय भारत, मैं हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी। माय भारत पर समय हो चुका है यूके स्पेशल का, तो डालते हैं उत्तराखंड की खास खबरों पर। उत्तराखंड की महामहिम राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हरिद्वार पहुंची, जहां उन्होंने सावन के आखिरी सोमवार को चंडी घाट स्थित प्राचीन काली माता मंदिर में पहुँच कर माँ काली की पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने स्वामी महामंडलेश्वर कैलाशानंद महाराज का आशीर्वाद भी लिया। सरकार लगातार लोगों से कोविड नियमों का पालन करने की अपील कर रही है, लेकिन सरकार की ही पार्टी के जनप्रतिनिधि सरकार के इन्हीं नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला मंगलौर के नारसन बॉर्डर का है, जहां नारसन बॉर्डर पर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गाजे बाजे के साथ जोरदार स्वागत किया। इसी दौरान जनप्रतिनिधि बिना मास्क के दिखाई दिए। इसके साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कोविड नियमों की भी जमकर धज्जियां उड़ाई। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन की आज अब उत्तराखंड में भी भड़कने लगी है, क्योंकि किसानों के नेता राकेश टिकैत उत्तराखंड में दौरा कर रहे हैं। राकेश टिकैत के दौरे से उत्तराखंड की राजनीति में हलचल देखने को मिल रही है। 15 अगस्त के दिन राकेश टिकैत ने तिरंगा यात्रा कर किसानों को संबोधित किया। साथ ही उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 5 तारीख को होने वाली किसानों की महापंचायत के लिए लोगों से मुलाकात की। हरिद्वार में सावन के आखिरी सोमवार को शिव मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा दिखाई दिया। इसके साथ ही कनखल स्थित भगवान शिव के ससुराल कहे जाने वाले दक्षेश्वर मंदिर पर भी सुबह से शिव भक्तों ने जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। वहीं इस दौरान कोरोना के चलते मंदिर समितियां लोगों से कोविड गाइडलाइंस का पालन करने की अपील करती नजर आई, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात तो ये रही कि शिव भक्तों की आस्था कोरोना पर भी भारी पड़ती दिखाई दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विधानसभा अध्यक्ष प्रेम चंद्र अग्रवाल ने आजादी के अमृत महोत्सव स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ी सैन स्थित विधानसभा परिसर में ध्वजारोहण किया। इसके साथ ही परिसर में पौधे भी लगाए। वहीं इस खास मौके पर अलग अलग स्कूलों के छात्र छात्राओं ने देशभक्ति और लोक संस्कृति गानों पर अपनी प्रस्तुति पेश की। इसके बाद बच्चे को 500 रुपए और 2000 के चेक दिए गए। इस अवसर पर सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी में आजादी के अमृत महोत्सव पर मुझे ध्वजारोहण करते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है। आगे उन्होंने कहा कि ये राष्ट्र और प्रदेश निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। प्रदेश की समृद्धि और खुशहाली में उत्तराखंड के हर व्यक्ति का महत्वपूर्ण योगदान है। काशीपुर में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कृष्णा हॉस्पिटल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वहीं इस शिविर में कुछ पुलिस कर्मियों ने भी आगे आकर रक्तदान किया। वहीं इस दौरान आईटीआई थाना प्रभारी विद्यादत्त जोशी ने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि कोरोना जैसी महामारी की घड़ी में ब्लड बैंकों को रक्त की काफी आवश्यकता है। रक्तदान से ब्लड बैंकों को काफी राहत मिलेगी। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। उत्तराखंड की खबरें कल फिर लेकर हाजिर होंगे हम। तब तक के लिए उत्तराखंड की लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, हमारे पेज को फॉलो करें और देखते रहें माय भारत।